वेलकम फ्रेंड्स। आई एम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ अ वेबिनार कंडक्टेड बाय chshelpforum.com। दिस वेबसाइट इज स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू वेरियस इश्यूज दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन हाउसिंग सोसाइटीज, ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, एंड विल बेनिफिट both the managing committee and the general society members. The website has very simple language articles, various draft of applications. Our earlier webinar videos and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends over here. टुडेज टॉपिक इज, आज का विषय है डीम कन्वेंस, इनिशियल प्रिपेरेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, लीगलिटीज। मतलब डीम कन्वेंस के समय करना है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं सिर्फ कि शुरुआती तौर तरीका, कागज पत्री क्या क्या होना चाहिए और कानूनन तौर पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम एक्चुअली डीम कन्वेंस के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सरकार ने डीम्ड कन्वेंस के बारे में डायरेक्टिव्स निकाले हुए और उस डायरेक्टिव्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स का वर्णन किया है। आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। उसमें से एक मुख्य डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए कंपल्सरीली, वो आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर 7 में अप्लाई करना है, उसका कोर्ट फी भरना है, फिर आपके डीम कन्वेंस करना है या नहीं करना, उसका जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन चाहिए, मैनेजिंग कमिटी का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता है डिपार्टमेंट, सो आपको जनरल बॉडी में ही वो पास करना है रेजोल्यूशन। और उसमें आपको ये बताना है कि आपने किसको ऑथोराइज किया डीम्ड कन्वेंस के अर्जी एप्लीकेशन को साइन करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि सर्टिफाइड कॉपी आपका सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है अगर, तो आप डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लोकल जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होगा उसके ऑफिस में डुप्लीकेट शेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा एप्लीकेशन आप डायरेक्टली कोऑपरेटिव कमिश्नर पुणे में कर सकते हो, जो जिसके पास में महाराष्ट्र में जितनी सोसाइटीज उनका सारा का मास्टर डेटाबेस है, वहां से एक सर्टिफिकेट ले सकते हो कि आपकी फला फला सोसाइटी का नाम रजिस्टर्ड है उनके पास में, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वगैरह वगैरह। एक डॉक्यूमेंट का ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपके कितने मेंबर्स हैं, नाम उसके, फ्लैट नंबर, उसका एग्रीमेंट का इंडेक्स 2, जो प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पेड होना चाहिए वगैरह, ऑल दोस डिटेल्स होना चाहिए। आपने स्टैम्प ड्यूटी अगर नहीं पे किया है अपने फ्लैट का, तो डीम कन्वेंस के ऑर्डर के जस्ट बाद में
आपको वो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए ऑर्डर आएगा, आपके पास कोई पर्याय नहीं है, आपको वो पे करना है डिपार्टमेंट के अनुसार। अगर आप पे नहीं करते हो तो सोसाइटी वो आपसे आपके बिल में लगा के आपसे रिकवर कर सकती है। अगर बिल में लगाया तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, जो भी बायलॉ में सैंक्शन है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं, सोसाइटी को मैं नहीं भरूंगा, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड उतार लीजिए आप, जस्ट सिंपली गूगल में टाइप करिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड, आपका CTS नंबर डालिए प्रॉपरली, आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी प्रॉपर्टी कार्ड का मिल जाएगा आपको, कोई भी कर सकता है ये। अगर आप म्युनिसिपल एरिया में हैं तो प्रॉपर्टी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, और नॉन म्युनिसिपल या नॉन काउंसिल एरिया में है अगर, तो आप वहाँ का 7/12 वगैरह आप, और म्यूटेशन एंट्रीज के फॉर्म होते हैं टिपिकली, फॉर्म नंबर 6 कहा जाता है, वो कर सकते हैं। आपके हित के लिए म्युनिसिपल सैंक्शन प्लान्स होना चाहिए आपके पास में। आपका जो लेआउट प्लान है, आपकी जमीन कितने स्क्वायर फीट की है, कितना कॉन्टोर्स है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसा है, उसका एक लेआउट प्लान होना चाहिए सबमिटेड बाय एन रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, क्योंकि डायमेंशंस कितना है वो डायमेंशंस आपके प्रॉपर्टी कार्ड में डिफाइन होगा कि कितना एरिया है वहां पे। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, एफिडेविट लगेगा, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें हैं कि रिक्वायरमेंट होती है डीम कन्वेंस के लिए। हो सकता है आपका प्लॉट माड़ा का प्लॉट हो, सिडको का हो, BMC का हो, कोई रिजर्व लैंड हो, जैसे डिफेंस वालों के लिए रिजर्व लैंड दिया हुआ उन्हीं के स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या स्पेसिफिक पर्पस प्लॉट भी हो सकता है, या प्राइवेट प्लॉट भी हो सकता है। प्राइवेट प्लॉट को छोड़ के सारे प्लॉट्स लीज पे होते हैं टिपिकली, लीज से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर लंबा है पर हो सकता है, और उसका जो भी प्रीमियम लीज होल्डर डिमांड करता है उसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इसे माड़ा बोल सकता है कि भाई मेरा एक प्लॉट गोराई में है तो उसका ये वैल्यूएशन निकलता है, तो आप इतना पेमेंट करोगे, प्रपोजल डालेंगे स्टेट डिपार्टमेंट में, उनका डिपार्टमेंट अलग अलग है, और वहां से आपको वो चाहेंगे तो आपको प्रपोजल दे देंगे, डिपेंडिंग आपका वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड जोन में है क्या, फॉरेस्ट जोन में है क्या, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल नीड टू कंसिडर एट दैट टाइम। साधारण तौर पे क्या होता है कि सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, मानो कई सोसाइटी है जो 50-60 बरस पुरानी हो गई है, उसको कन्वेंस है ही नहीं, लेकिन लोग शांति से आराम से आज तक रह रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं। लेकिन डीम कन्वेंस या कन्वेंस, फुल कन्वेंस या डीम कन्वेंस की बात तब निकलती है जब ये होता है कि भाई अगर अभी हमारी बिल्डिंग तो अभी रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयर करने के लिए लाखों रुपए और करोड़ों रुपए खर्चे हो सकते हैं, हमारे एरिया में अच्छा खासा FSI मौजूद है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिल रहा है, एक्स्ट्रा फ्लैट्स बन सकते हैं, 50-60 बरस पुरानी बिल्डिंग में रह लिया हम लोग ने, उसमें फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट बाथरूम कॉमन भी हो सकता है, कई माड़ा सोसाइटीज में कॉमन टॉयलेट बाथरूम है फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं है, 2 माले की बिल्डिंग होगी, 4 माले की बिल्डिंग होगी, लिफ्ट नहीं है वगैरह वगैरह, या म्युनिसिपैलिटी ने ही आके बोल दिया कि भाई आपकी बिल्डिंग खतरनाक पोजीशन में पहुंच गई है, रिपेयरेबल नहीं है, डिलैपिडेटेड हो गई है, आई थिंक इट इज कॉल्ड C2+ कैटेगरी, और आप इसको खाली करो, डिमोलिश करो, और तब जाके वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट का सोचने लगती है। और उस समय ही होता है कि भाई रीडेवलपमेंट करना है अगर, तो कन्वेंस होना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे में BMC कानून के अंतर्गत
रीडेवलपमेंट करना है तो प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम पे होना जरूरी है, या जिसके नाम पे टाइटल है वो रीडेवलपमेंट की अर्जी डाल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लैंडलॉर्ड की सोसाइटी है, आपकी बिल्डिंग रह रहे हो, आपका प्लॉट एरिया 20,000 स्क्वायर फीट है, आपका एक लैंडलॉर्ड है अनिल भाई, और अनिल भाई के साथ में आप एग्रीमेंट कर सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकते हो, वगैरह कर सकते हो, और उसके नाम पे बीएमसी में रीडेवलपमेंट का प्रपोजल डाल के आईओडी वगैरह आप प्रोग्राम कर सकते हो। इट्स नॉट ए बिग थिंग। हमें आज के दिन में ऐसा लगता है कि लैंडलॉर्ड के हमारे नाम पे कन्वेंस नहीं है तो हम रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। आप लैंडलॉर्ड के नाम पे भी कन्वेंस, लैंडलॉर्ड के नाम पे भी अर्जी कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको उसके साथ में स्ट्रेटेजिकली विथ प्रॉपर क्लॉजेस वगैरह एग्रीमेंट करने हैं, क्या उसका लेना देना रहेगा उसके अंदर। एग्रीमेंट के तुरंत बाद में उसके पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे कन्वेंस अपने नाम पे करा लोगे। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन एंड इट कैन बी डन क्वाइट इजिली, आराम से हो सकता है और काफी आसानी से भी हो सकता है, और आपका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि साधारण तौर पे पुरानी सोसाइटीज जो है वो तब सोचती है रीडेवलपमेंट के लिए जब उनकी बिल्डिंग की हालत काफी हद तक खराब हो जाती है, और उनको लगता है कि अब तो इस सोसाइटी में बड़े बुजुर्ग हो गए हैं या इतने पैसे नहीं है सबके पास में, उतनी गरीबी है कि सारे प्रॉपर्टी को रीडेवलप नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, और रिपेयर करने के बाद में भी स्थिति लगभग वही बनी रहेगी, लिफ्ट नहीं होगा, टॉयलेट बाथरूम उतना ही रहेगा, वगैरह वगैरह। तो तब उस समय ये ध्यान में आता है कि लेट अस हैव ए प्रॉपर्टी कार्ड, और उस समय रीडेवलपमेंट का प्रपोजल शुरू करते हैं। लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया जाता है, या उस समय का डेवलपर बिल्डर को नोटिस दिया जाता है, या उस समय का गवर्नमेंट बॉडी जो भी होगा जिसके नाम पे ये प्लॉट है या लीज के प्लॉट है उसको नोटिस दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं। लेकिन बहुत वीक पेस पे, बहुत सुस्ती के पेस में ये सारी चीजें होती है। जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट बोलता है कि 7-8 डॉक्यूमेंट्स दे दो डीम कन्वेंस के लिए, आपको डीम कन्वेंस का ऑर्डर मिल जाएगा, अर्जी करो, 1,000 रुपए का कोर्ट फीस लगा दो। अब यहां तक तो ठीक है, सोसाइटी में आप जानकार हो तो डीम कन्वेंस आप अर्जी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप खुद भी कर सकते हो, जानकारी के ऊपर है। और जानकारी नहीं भी है अगर, तो आज के दिन पे लगभग सभी कुछ इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह। और छोटे मोटी चीज के लिए आप अपना लोकल एडवोकेट से काउंसलिंग कर सकते हो। डीम कन्वेंस के लिए कई बार बड़े खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे अर्जी के ऊपर नहीं होता है, लेकिन जब अधिकारी आपको परेशान करने लगता है या उसकी अपेक्षा या मांगे बढ़ने लगती है, तो नॉर्मल केस में आप और हम लोग के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि नहीं, उसको तो देना ही पड़ेगा, तो ही डिम कन्वेंस वगैरह का चक्कर चल सकता है। जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट सब ठीक है, मेरिट के बेस पे उसको डिम कन्वेंस का ऑर्डर एक निर्धारित समय के अनुसार देना ही देना है, उसके पास कोई पर्याय नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको तो देना है। वो ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकता है, पर अल्टीमेटली उसके पास भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इतने समय के अंदर डीम कन्वेंस का ऑर्डर निकाल देना है। पर फिर भी सोसाइटी को जनरल बॉडी के अप्रूवल के वक्त डीम कन्वेंस के लिए एक अलग से रकम जमा करना चाहिए, या तो आपके बैलेंस शीट में चेकआउट करिए, रिजर्व फंड है क्या या कोई कॉर्पस फंड है वगैरह, नहीं है तो उसका इंतजाम करिए, एक SGM कॉल करिए, उसमें ये सब चीजें डिस्कस करके उसको आगे बढ़िए।
डीम कन्वेंस के लिए सबसे जरूरी है कागज पत्र का जमा करना। आप देखेंगे तो पुरानी सोसाइटी के पास उनका खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि आपका प्रॉपर्टी कार्ड दिखा दो, वो भी नहीं है। सरप्राइजिंगली उनको ये तक पता नहीं होता है कि आपका CTS नंबर क्या है, प्लॉट जो खड़ा है उसका CTS नंबर क्या है, गट नंबर जिसको कह सकते हैं या CTS नंबर, वो तक पता नहीं है। अगल बगल के लोगों को पूछ लो, तहसील ऑफिस में चले जाओ, बोल दो कि मेरी ऐसी सी सोसाइटी है ये एड्रेस पे, वहां से आपको CTS नंबर मिल जाएगा। वो तुरंत CTS नंबर लेके 25 रुपए का एक टिकट लगा के उसको बोलो कि भाई यही CTS नंबर का हमको प्रॉपर्टी कार्ड दे दे। छोटा मोटा मेहनत करके आपके प्रॉपर्टी कार्ड मिलाती है, उसे ये पता चल जाता है कि ओनर कौन कौन है उस प्रॉपर्टी का। ओनर जिंदा है, मर मुरा गया है, क्या पोजीशन है, वो पता चल जाता है। कितने ओनर्स हैं, वो सब पता चल जाता है। फिर सोसाइटी के अंदर ही अंदर आपका आय रजिस्टर निकाल लीजिए, इंडिविजुअल मेंबर्स के फाइल्स निकाल लीजिए, इंडिविजुअल मेंबर्स में उसका एग्रीमेंट देखिए, स्टैम्प ड्यूटी पेड है नहीं है, उसका इंडेक्स 2 या रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन उसका इंडेक्स 2 मिल जाएगा। 1985 के बाद में तो IGR के वेबसाइट में इंडेक्स 2 का सारा डिटेल्स अपलोडेड है। उसकी पहले की सोसाइटी है तो IGR के ऑफिस से वो भी थोड़ा मेहनत करके वो भी निकल जाएगा। निकालना तो है ही आपको। अगर नहीं निकाल पाए तो 101 फ्लैट नंबर के अगेंस्ट में स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ये पता नहीं चलेगा। और फिर वो वैल्यूएशन एडजुडिकेशन के लिए जब जाएगा आपका DC डीम कन्वेंस का ऑर्डर, तब वो अपना मनमारी फिगर लगा देगा। डिपार्टमेंट को इतना ही मतलब है कि आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी उस समय का स्टैम्प ड्यूटी भरा या नहीं भरा है। एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी से सरकार को बहुत ज्यादा मतलब है। डीम कन्वेंस की जब बातें शुरू करनी है सोसाइटी में तो मैनेजिंग कमेटी का सबसे पहला काम है एग्रीमेंट निकालें, सारे चेन ऑफ एग्रीमेंट्स, अपना आय रजिस्टर में उसको क्रॉस चेक करें और अपडेट करना शुरू करें। अलग से एक फाइल बनाएं, जो जो इंडेक्स टू अवेलेबल है उसमें वो फाइल करना शुरू करें। जिनका नहीं है मेंबर से रिक्वेस्ट करो, या सोसाइटी का किसी बंदे को बोलो, बच्चे को बोल दो जिसके पास टाइम है उसको बोल दो, उसको छोटा मोटा पैसा दे दो बाहर देने की जगह में। कोई जवान लड़का है कॉलेज जा रहा है उसको बोल दो कि भाई आपको इतने पैसे दे देंगे, जाओ डिपार्टमेंट में और ये सब कागज पत्र निकाल के लेके आओ, वो भी खुश रहेगा, आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा। आपके आय रजिस्टर में अगर प्रोविजनल मेंबर्स का एंट्री है तो उसको निकाल देना है, अगर एसोसिएट मेंबर की एंट्री है तो उसको भी निकाल देना है। डीम कन्वेंस में उनका कोई रोल नहीं है और उनका नाम आप नहीं डाल पाओगे। डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट में जो नाम आपने डाल दिए रीडेवलपमेंट के टाइम पे, वही नाम आपके एग्रीमेंट में आने शुरू हो जाएंगे। डिस्प्यूट शुरू होंगे लीगल हायर्स के बीच में या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, और वो सोसाइटी को भी पार्टी बनाएगा उस लीगल डिस्प्यूट्स में, तो सोसाइटी के नए खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। एक वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है आर्किटेक्ट का ड्राइंग, आपका एरिया जो है कितना बड़ा है उसको सर्टिफाइड करना है, ईस्ट वेस्ट कैसा है, साउथ वगैरह कैसा है, कितना इंक्रोचमेंट है। उसमें वो ये बताएगा कि सैंक्शन प्लान्स के हिसाब से आपकी बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है, बिल्डिंग का डायमेंशंस बनाएगा उसके अंदर, और कई और चीजों का वर्णन देगा, कितना FSI कंज्यूम किया, आज के दिन में कितने की संभावना है, आज का वैल्यूएशन क्या है, ये सब उस आर्किटेक्ट का काम है। ये सारी रिपोर्ट आप अल्टीमेटली PMC को देने वाले हो,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जब आपने ये विचार किया कि रीडेवलपमेंट करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय तैयार अवस्था में, तैयार हालत में मिलनी चाहिए सोसाइटी के ऑफिस में। रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का ड्यूटी है आपको करेक्ट पिक्चर देना, नहीं तो वो प्रोसिक्यूट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर लग सकता है अगर उसने फॉल्स रिपोर्ट बनाया। उसका काम है सैंक्शन प्लान स्टडी करना, आपका प्लॉट ऑफ लैंड जो है उसका एरिया को उसके अंदर रिफ्लेक्ट करना, बिल्डिंग को रिफ्लेक्ट करना, और अगर उसी प्लॉट में और मल्टीपल सोसाइटीज है या मल्टीपल बिल्डिंग है, तो सैंक्शन प्लान से ये निकालना कि आपका बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान्स कितने एरिया में सैंक्शन हुआ है। तो सिर्फ उतना ही प्लॉट ऑफ एरिया आप कन्वेंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। जैसे आपका 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें एक बिल्डिंग 4 माले की है, एक बिल्डिंग 7 माले की है, एक बिल्डिंग 2 माले की और एक छोटा बंगला भी है। बंगले का एरिया कितना है? हो सकता है 3,000 स्क्वायर फीट हो, लेकिन ये उसके प्लान्स में बताया गया होगा। सेम 2 माले की बिल्डिंग कितना एरिया कंज्यूम हुआ, उस हिसाब से कितना FSI कंज्यूम हुआ, वो सब दिखाया है। तो आपके प्लॉट ऑफ लैंड में कितनी बिल्डिंग है, कितनी सोसाइटीज है, कितने इनक्रोचमेंट्स है, कितने दुकानें हैं, कितना क्या है, वो बताएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट कर सकता है, ये काम PMC का नहीं है। PMC आपको एक रफ फिगर देगा और PMC का रिपोर्ट डिस्प्यूट के टाइम पे कानून कचहरी के वक्त, कानून कायदे के वक्त कोई खास मायने नहीं रखता, पर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का रिपोर्ट जो है वो फाइनल है। इज कवर्ड अंडर दैट आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और आर्किटेक्ट्स के कानून कायदे जो है उसके खुद के कानून कायदे हैं। आर्किटेक्ट का काम है वो आपके सैंक्शन प्लान्स को चेक करना और डिटरमाइन करना कि आपके बिल्डिंग में सैंक्शन प्लान्स के अनुसार कितने फ्लैट्स हैं, कितने फ्लैट्स गैर कानूनी हैं, और उसका काम है कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स का स्टेटमेंट आता है उसके सामने सामने चेक करना। ये डिटरमाइन हो जाएगा कि कानूनन गैर कानूनन कितने फ्लैट्स हैं, कितने फ्लोर हैं वगैरह वगैरह। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी कार्ड या 7/12 डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ योर सिटी या विलेज या टाउन, आप ये सारे कागज पत्र आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। डीम्ड कन्वेंस का टिपिकल अर्जी जो फाइल होता है, बॉम्बे शहर में हो तो डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है, जिसे हम शॉर्ट में DDR कहते हैं। बॉम्बे के बाहर आई थिंक इट इज ज्वाइंट रजिस्ट्रार, नवी मुंबई वगैरह वगैरह जगहों पे। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे DDR को एप्लीकेशन करना है। डीम्ड कन्वेंस का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ DDR के पास में ही अप्लाई कर सकता हूँ। DDR के पास में अप्लाई करोगे तो खर्चा पानी तो आपको खुद करना है, सिर्फ कन्वेंस का ऑर्डर मिल जाएगा, बाकी मेहनत फिर से आपको ही करनी है। लेकिन एक दूसरा रास्ता ऐसा है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आप कन्वेंस के लिए बिल्डर के अगेंस्ट में, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट के सैकड़ों ऑर्डर, देर आर हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन रिलेशन टू कन्वेंस। बिल्डर्स को पेनलाइज भी किया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट भी किया हुआ है, सोसाइटी को डैमेजेस और कंपनसेशन भी मिला हुआ है। मैटर हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने बोला कि कंज्यूमर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है वो बरोबर है। DDR के पास फाइल करोगे या क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करोगे तो आपको
लेट अस टॉक ऑफ डीडीआर फर्स्ट। डीडीआर में फाइल करोगे तो आपको सिर्फ ऑर्डर मिल सकता है कन्वेंस का, उसके बाद में भी तकलीफें कम नहीं होती है, और भी प्रोसीजर्स करना है आपको। कंज्यूमर कोर्ट में करोगे तो कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शंस देता है बिल्डर या लैंडलॉर्ड को कि इनको इनको इनका नाम पे कन्वेंस का डीड बना के दो, इतने साल आपने ये जो न्यूसेंस किया या डेफिशिएंसीज किया हुआ है इसका ये हर्जाना या कंपनसेशन या सोसाइटी का जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई करो। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने पुलिस एफआईआर किया, डीम्ड कन्वेंस नहीं दे रहा है बिल्डर को, कर दिया, खुश हो गए, क्रिमिनल कोर्ट में मैटर जाएगा, वो बिल्डर या लैंडलॉर्ड जो है हकीकत में गरीब हो चुका है या मर बुरा गया है या उसके पास पैसे नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या होगी, उसको जेल हो जाएगी, उसके लिए भी वक्त लगेगा। क्रिमिनल कोर्ट में लगभग सभी को पता है कि काफी समय लग जाता है, उसके बाद में एक अपेलेट कोर्ट भी है, मतलब सेशन कोर्ट में जाओगे, उसके बाद में आप हाई कोर्ट भी जाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो ये सोसाइटी का एक बड़ा चक्कर चल जाएगा। तो क्रिमिनल कोर्ट में बिल्डर ने आपको कन्वेंस नहीं दिया उसमें जाने का कोई अर्थ नहीं है, आपका जो अर्थ निकलता है सिंपल कन्वेंस लेना है तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास जाइए, जैसे मैंने बताया डीडीआर या जेआर जॉइंट रजिस्ट्रार, एंड द मोस्ट बेस्ट पार्ट वुड बी टू अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट। टिपिकली अगर आप शहर में रहते हो तो 50-51 लाख का जो क्लेम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, और उसके ऊपर बाद में क्लेम जाएगा स्टेट कमीशन में, दैट इज स्टेट कोर्ट में, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट हुआ, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट हुआ, और बाद में एक नेशनल हुआ जो दिल्ली में है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज वैल्यूएशन, डिपेंडिंग कि आप लैंडलॉर्ड या बिल्डर से कितना हर्जाना लेना चाहते हो। बिल्डर ने आपके सोसाइटी में कितना काम अधूरा छोड़ा हुआ है, ये सारी चीजों को आप एक ही अर्जी में क्लब कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। बिल्डर ने काम अगर अधूरा छोड़ा हुआ है तो डीडीआर उसके लिए आपको कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के पास में है। आप अगर देखेंगे तो डीडीआर ने कई डीम कन्वेंस के ऑर्डर निकाले जो लैंडलॉर्ड या बिल्डर ने हाई कोर्ट में मैटर डाला रिट पिटीशन के माध्यम से, और हाई कोर्ट ने उसको कैश भी कर दिया, सेट असाइड भी कर दिया। कई बार डीडीआर खुद ही आपका ऑर्डर आपके फेवर में नहीं देता, बोला ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकाल देगा, लेजिटिमेट एक्सक्यूज निकाल देगा या साइड वाला एक्सक्यूज निकाल देगा, और वो आपको ऑर्डर नहीं देता है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो। ये सारा चीज करने के जगह में इट इज बेस्ट टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में सोसाइटी चाहे तो वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकती है, लॉयर की जरूरत भी नहीं है। सोसाइटी में कोई पढ़ा लिखा आदमी है, समझदारी है, सार बाकी सब चीजें अपने ग्रैंडफादर यानी कि गूगल है, उसके अंदर सारा कुछ डेटा मिल जाता है, आप अप्रोच करिए और अपना काम चलाइए। और अगर सोसाइटी का बजट है तो एक लीगल एडवाइजर वकील काउंसिल को अपॉइंट कर लीजिए। डीडीआर में अगर आपका डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर अलाउ नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन बचता है हाई कोर्ट जाने का, उसके अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। डीडीआर 4 के ऊपर आपका कोई अपील नहीं होता है।
हम लोग ऐसे टिपिकली सोचते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि रीडेवलपमेंट करना है या सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, तो डीम कन्वेंस का ऑर्डर या कन्वेंस का ऑर्डर या प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम आए बगैर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि आप बिल्डर के साथ में, लैंडलॉर्ड के साथ में प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए विथ प्रॉपर रिलेवेंट स्ट्रेटेजिक क्लॉजेस, उसका एक पावर ऑफ अटॉर्नी लीजिए, अपना काम चालू करिए, बिल्डर और लैंडलॉर्ड को साइड में कर दीजिए, आपका उसमें एग्रीमेंट में वैसे क्लॉजेस होने ही चाहिए, लैंडलॉर्ड के नाम पे ही परमिशन मिलेगा रीडेवलपमेंट का या आईओडी, और जैसे जैसे वो प्रोसेस चलता जाता है एग्रीमेंट का क्लॉजेस एक्टिवेट करके अब अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करवाते जाइए। इट इज परफेक्टली पॉसिबल। सबकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं उम्मीदें होती हैं। बिल्डर भी बोलेगा ठीक है मैं आपको दे रहा हूं तो मुझे ये दे देना या वो दे देना या एक फ्लैट दे देना, या दैट इज अ मैटर ऑफ निगोसिएशन। आप तो आपस में समझौता करके आप उसको आगे बढ़ सकते हो। वक्त यूज अप कर लेना, मानो अगर आप 70 साल के हो, रीडेवलपमेंट का सोचा है, समझा है, सपना देखा है, ये चक्कर चलाते हो, कितना समय निकल जाता है पता नहीं है, वो सपना अधूरा भी रह जाता है। आज के दिन पे अगर ये छोटा मोटा समझौता करके, एडजस्टमेंट करके, नेगोशिएट करके आपका काम आज शुरू कर सकते हो, अगर आज उसको खुशी हो सकती है और वो सारे काम कानून कायदा कानूनी कागज पत्री के आधार पर हो सकता है तो आपको कर लेना चाहिए। जितने भी स्टैट्यूटरी या सरकारी परमिशंस होंगे वो लैंडलॉर्ड के नाम पे होंगे, उसका भी कोई चिंता नहीं है, प्रोवाइडेड आपने आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर क्लॉजेस डाल रखे हैं। क्लॉजेस डालने का मतलब ये है कि उसका नेगोशिएटिंग फैक्टर होगा, उसके बाद में उसका सारा अधिकार क्षेत्र आपको मिल जाता है, ये सारे क्लॉजेस वगैरह डालने जरूरी है। उसके बाद में आप अपना रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है या सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है आप खुद ही कर सकते हो, और जैसे जैसे करते जाओगे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे आप करा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में कन्वेंस नहीं है या डीम कन्वेंस नहीं है, लेकिन कोई डेवलपर आता है, बिल्डर आता है, बोलता है अच्छे लोकेशन पे है, मुझे अच्छी कमाई हो जाएगा। वो बोलता है ठीक है हम लोग एक समझौता कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बोलता है मैं समझौता कर लेता हूँ आपके साथ में, मेरे खर्चे में मैं आपका डीम कन्वेंस लेके आता हूँ, डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वैसा लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम रीडेवलपमेंट कर लेते हैं। कई बार डेवलपर बोलता है कि ठीक है आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करो, मुझे आप उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर डेवलप कर दो, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बना दो, मैं कर देता हूं आपको। अगेन मैटर ऑफ समझौता, अगेन मैटर ऑफ निगोशिएशन, लेना देना कैसा क्या करना है, लेकिन कर लो। लेकिन अगर शांतिपूर्वक विथ पीस इमीजिएटली काम अगर हो सकता है तो आप करिए। आप देखते हैं बॉम्बे शहर में ही खाली हर साल एवरेज लगभग 10 एक बिल्डिंग गिर जाती है, गूगल कर लीजिए बिल्डर बिल्डिंग्स फॉलन, ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग्स फॉलन, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग फॉलन इन द ईयर 2022 2021 वगैरह, आपको काफी कुछ डिटेल मिल जाएगा। एवरेज 10-12 बिल्डिंग आपको दिखाई देगी कि बिल्डिंग गिर गई। वो क्यों गिरी? क्योंकि हमने सुस्ती किया, हमने टाइम पास करते चले गए, हमने खुद के सोसाइटी के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमने खुद के सोसाइटी के लोगों को काम नहीं बांटा कि जा भैया तू अपना आईजीआर के ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट निकाल के ले आ, जाओ तुम बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में चले जाओ बीएमसी में, वहां पे पूरा प्रोसीजर पूछ के आओ, वहां के मुकादम को मिल लो, वो आपको काफी कुछ गाइड कर देगा। तो
ये सारा काम कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक काम भी डिवाइड करोगे चार आदमी में, आपका 4 साल का काम 4 महीने के अंदर ही अंदर हो जाएगा। मैंने जैसे बताया कि कई बार बिल्डर्स डेवलपर आते हैं, बोलते ठीक है मैं आपका डेवलपमेंट कर देता हूँ, बिल्डिंग का डीए साइन करो, उसमें क्लॉजेस डालो, मैं आपको डील कन्वेंस वगैरह का कर दूंगा, वो अपने खर्चे पे करता है। लास्ट में एक सोचने वाली बात ऐसी आती है कि एक समय में आपका बिल्डिंग सैंक्शन हुआ, प्लान सैंक्शन हो गए, एक प्लॉट ऑफ लैंड में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट में आपकी बिल्डिंग सैंक्शन हो गई 50 बरस पहले, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी आने लगा, जो सोसाइटी भर रही है, मेंबर्स भर रहे हैं, कॉमन एरियाज का प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हो, सोसाइटी नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स भी भरे जा रही है आपके प्लॉट ऑफ लैंड का। सरकार के रिकॉर्ड में ये आ रहा है कि बिल्डिंग ये सोसाइटी के नाम पे है, सोसाइटी रजिस्टर्ड किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपल असेसमेंट डिपार्टमेंट में भी सोसाइटी का नाम आ रहा है। नाम आए या नहीं आए उसका कोई मतलब नहीं, पेमेंट आप दे रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ आप ध्यान से रखिए। सिमिलरली विथ नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, एनी टैक्स का भी, आप ये साबित करो कि मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये मेरा सैंक्शन बिल्डिंग का प्लान है, ये मेरा प्रॉपर्टी टैक्स का स्टेटमेंट है, ये मेरा एनी टैक्स का रिसिप्ट है, ये मेरा बिजली का बिल है इतने सालों का। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब आप बिजली खाते में जाओगे और उनको ये बोलोगे कि मेरा 50 साल का बिजली का समरी दे दो, वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह और कई चीजों का एविडेंस आप जमा कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो प्रश्न ही आता है कि सरकार को ये डीम्ड कन्वेंस या डायरेक्ट कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे करने में क्या हिचक है। ये सिर्फ प्रोसीजर या लेकुना करने से सोसाइटियों के ऊपर बोझ डालना और खर्चा करवाना, वो कहाँ की बुद्धिमानी आती है। दोस्तों, वी विल टेक ए 2 मिनट स्पॉन्सर ब्रेक, वी विल कम बैक
Friends, thank you for your patience. Before we start our question and answers session, we will be taking up questions only relating to today's topic, aaj ka vishay, deemed conveyance, shuruati, preparations, tayariyan kaise karni hai. जो 7-8 कागज पत्री है वो कैसे जमा करने हैं और कानून व्यवस्था, उसके अंदर कानून कायदा क्या कहता है. फ्रेंड्स, आप जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, आपके स्क्रीन पे हैंड सिंबल है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए. वी विल टेक अप योर क्वेश्चन इन सीक्वेंस. वी आर टेकिंग अप ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन. We are not taking up any long questions. उतना समय नहीं होता है, आप भी जानते हो चीज को. प्रश्न पूछने के दौरान it is essential, compulsory कि आप अपना वीडियो स्विच ऑन करें. अगर आपका वीडियो स्विच ऑन नहीं है तो we will not be taking any questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question is by Mr. Hitendra Patil. Patil sir, Mr. Hitendra Patil. मैं पूछ सकता हूँ? हैंड हैंड ऊपर है, मेरा किधर मिलता है वो? कौन सा? हैंड हैंड ऊपर करने का बोलता है? ये वो है ना? Okay, next question is by Mr. Jay Mutke. Mutke. नमस्ते सर, मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ. सर कहाँ पे? हाँ सर, मेरा एक 23 मेंबर का सोसाइटी है, उसमें 18 सोल्ड हो गया है और 5 अनसोल्ड है. वो अभी फिलहाल जगह मालिक के ताबे में है और डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है. और अभी हम लोगों ने DDR ऑफिस में अप्लाई किया है कन्वेंस के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में जो अनसोल्ड फ्लैट है उसका रजिस्टर स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? और अभी वो जगह मालिक ने उधर वकील किया है, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या हो सकता है, मतलब कन्वेंस हो सकता है कि नहीं, ये पूछने का था सर. स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ सेल एग्रीमेंट पे लगता है, यानी कोई भी डीड होना चाहिए, सेल एग्रीमेंट हो या गिफ्ट डीड हो, ऐसा टाइप का होगा तो ही उसके ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी लगता है. अगर आप ये कहते हैं कि फ्लैट आपका अनसोल्ड है, तो इसका मतलब वो फ्लैट आज के दिन पे कस्टडी में जो है वो बिल्डर के पास में. लेकिन आप डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई कर दिया है आपने, आपकी सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो आपको डीम्ड कन्वेंस मिल जाएगा. और जब वो डीम्ड कन्वेंस के बाद में ऑर्डर आने के बाद में जब म्यूटेशन होगा, तब तक जितने भी फ्लैट सोल होंगे बिकेंगे, उसका स्टैम्प ड्यूटी का प्रूफ आपको IGR के ऑफिस में आपको फाइल करना पड़ेगा. पर आपका काम हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डीम कन्वेंस का ऑर्डर भी मिल जाएगा और बाकी जो स्टैम्प डेफिशिट निकलेगा सोल्ड फ्लैट्स में उस समय, वो आपको उस समय एडजुडिकेशन के टाइम पे आप कर पाओगे. लेकिन सर वो अभी तो फिलहाल जमीन मालिक के ताबे में है, तो वो नहीं बेचना चाहता है, या तो खुद के पास अगर रखना चाहता है तो स्टैम्प ड्यूटी किसको भरना पड़ेगा, सोसाइटी को? या सोसाइटी तो मतलब उनको तो उनके ताबे में तो है ही नहीं, जगह मालिक के ताबे में है ना. इसके लिए जैसे मैंने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ उसी का होता है जो प्रॉपर्टी बिकती है, नहीं बिकी है तो स्टैम्प ड्यूटी का मतलब ही नहीं है. अब बिल्डर बोलता है कि ठीक है, मैंने 60% प्रॉपर्टी बेच दी है, 40% में मेरे खुद के पास रखूंगा. प्रॉपर्टी रख ले फ्लैट रखेगा, लेकिन जमीन तो रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम पे उसको ट्रांसफर करना ही करना है, वो तो प्रोविजन है कानून में.
एनीवे थैंक यू मिस्टर जय फॉर जॉइनिंग इन। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अपना ये जो वेबिनार या तो ये अपना CHS फोरम है ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसमें मुझे बहुत अच्छा है। मैं बहुत सा मतलब वीडियो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी देखता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अपन जो साइट पे जाके मिलते वो अगर उसका जो मेंबर लाइफ टाइम होगा या तो जो मेंबर फी भरेगा उसको ज्यादा मेंबर फी ले लो लेकिन वो उनको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो और बेटर रहेगा सर, भले उसको एनुअल फी लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग CHSL फोरम को एक्सपैंड कर रहे हैं। वैसे आपका सहयोग देने का धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर विवेक। मिस्टर विवेक नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर जॉन जैकब। हेलो हेलो। हाँ बोलिए मिस्टर विवेक, ठीक है आप बोलिए। सर ये डिम कन्वर्टर रिक्वायर्ड है क्या? जस्ट होल्ड प्लीज। हाँ क्या कह रहे विवेक सर? सर ये डिम कन्वर्ट जब करते हैं तो सोसाइटी को अगर OC नहीं मिला है तो वो जरूरी है क्या? आप डिम कन्वेंस किस चीज का करना चाहते हो? आपकी बिल्डिंग का करना चाहते हो या जमीन का करना चाहते हो? वही दो साइमल्टेनियसली दोनों भी सर ना, तो जो स्ट्रक्चर है वो भी और इसका लैंड का भी। ठीक है, आपके प्रॉपर्टी कार्ड आपने कभी देखा है? कोई प्रॉपर्टी कार्ड या साथ द्वारा देखा हुआ है? प्रॉपर्टी कार्ड में सर जो डेवलपर था उनका नाम है। तो प्रॉपर्टी कार्ड में किसी भी प्रॉपर्टी कार्ड में आपने बिल्डिंग का वर्णन देखा हुआ है क्या कभी? नहीं है सर। ठीक है, तो एक बार एक देख लीजिए। प्रॉपर्टी कार्ड में सिर्फ और सिर्फ जमीन का वर्णन होता है जी सर। और अगर सिर्फ जमीन का वर्णन है तो आपको जो कन्वेंस है आपका जो नाम आना है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम पे आना है। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग कल गिर गई तो बचा क्या? जमीन। जमीन बची। सही है सर। तो प्रॉपर्टी कार्ड में सिर्फ और सिर्फ जमीन का वर्णन आएगा। कई बार अधिकारी को समझ में नहीं आता तो लिख देता है अलोंग विद बिल्डिंग सो एंड सो, पर बिल्डिंग तो है ही नहीं ना वहां पे। सही बात है सर। अगर आपने सिर्फ जमीन खरीदी तो क्या होगा? तो गांव में जब जमीन खरीदते हो बंगले के साथ में तो तलाटी क्या बोलता है? मुझे आपका बंगले से कोई मतलब नहीं है, जमीन का ही काम। सात बारह पे मैं खाली जमीन का नाम डालूंगा, इस तरह वो तहसीलदार भी वही बोलता है। तहसीलदार भी गांव का ही बड़ा अधिकारी है। एनीवे थैंक यू मिस्टर विवेक फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है सर, थैंक यू सर। मिस्टर जॉन जैकब प्लीज। Yes, sir. The question which I want to ask is, there is a builder who has, created in a huge plot of land, created multiple buildings. And in the first building that he has created, he has, created a society and formed a society. And in that society, the land was transferred. But then the subsequent buildings which were created in when they went for the deemed conveyance, they had included the builder as the party, the opposite party. And as you mentioned, the registrar architect ought to have gone into the details of the records and, come up with the right person as opposite parties. So they ought to have included the earlier society as one of the parties. But let's assume that there has been some mistake in there and the deemed conveyance was issued for transferring the plot from the builder to the new society. Okay, now this error was noticed subsequently. So what is the remedy now? You can approach the High Court and have the deemed conveyance order. Or if it has been already conveyed, you can have the entire thing set aside or quashed. And then forming a federation or something of that sort, depending on the number of societies, you can have that architect design it properly, stating ki 10,000 square feet ka plot hai, iske andar 5 society hai. Ek society ne 500 square feet cover kiya, ek society ne 2500 square feet cover kiya. Ye usko define karna padega. आपने 500 स्क्वायर फीट कवर किया है तो आपको FSI 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही मिला होगा।
तो आपके सैंक्शन प्लान्स में, आपके सैंक्शन प्लान्स में आपको ये डिटेल मिल जाएगा. बियॉन्ड द सैंक्शन प्लान्स, द सैंक्शन प्लान्स विल से कि हाउ मच प्लॉट एरिया वॉज यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग. सो दैट विल डिटरमाइन एज टू हाउ मच योर सोसाइटी इज एंटाइटल्ड टू द प्लॉट ऑफ लैंड. सो नाउ इफ यू से कि मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट है और उसके अंदर और 3-4 और बिल्डिंग है और मैं पूरे के पूरे प्लॉट ऑफ लैंड का कन्वेंस अपने नाम पे ले लूं, दैट इज एन इलीगल थिंग. दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज यू आर इनक्रोचिंग अपॉन लेजिटिमेट राइट्स ऑफ अदर बिल्डिंग्स आल्सो. सो दैट ओनली एन आर्किटेक्ट विल बी एबल टू डिफाइन, नथिंग एल्स. Correct. So that was the a negligence of duty on the part of the registrar architect. There is no doubt about it. So now the question is because of that negligence and not scrutinizing the sanction plan properly, because sanctioned plan would obviously delineate the individual plots for the individual buildings. There is no doubt about it. So there has been some error. So if we approach the High Court, we can also seek a relief of directing the respondent builder as well as the society to do the take the steps and cooperate in the transition of the deemed conveyance, right? Carrying out the deemed conveyance. That is not the work of the High Court to do so. High Court में जाना है, sir ये proper नहीं हुआ, इसको quash कर दो. आप उसको remedy मांगने को जा रहे हो, तो वो आप DDR का power आप High Court को exercise करने को बोल रहे हो. What? तो DDR ने गलती किया ना? DDR ने तो गलती किया उसका order के basis पे. तो मैंने आपको और कुछ थोड़ी ना बोला. अब हाई कोर्ट जाओगे DDR के ऑर्डर को कैश कराने के लिए. अब गलती सुधर गई ना, ऑर्डर कैश हो गया, कन्वेंस किसी की भी नाम पे नहीं है. एनीवे थैंक यू मिस्टर जॉन फॉर जॉइनिंग इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर शशिधारा शेट्टी. मिस्टर शशिधारा शेट्टी, ओके. मिस्टर महादेव, सर गुड इवनिंग. नमस्कार सर, बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, बिल्डर ने अगर 4 डिफरेंट सोसाइटी बनाई है और वो कन्विंस भी नहीं कर रहा, फेडरेशन भी नहीं बना रहा. ओके सर, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, आप करेक्ट करके फिर से आ जाइएगा थोड़ी देर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हितेंद्र पाटिल. मिस्टर हितेंद्र पाटिल, ओके. मिस्टर विनायक मोरे. हेलो सर. Sir, I have a query regarding parking. So, sir, property tax is also charged on allotted parking, which is a parking below the building. Okay, so it cannot be transferred right now because it needs stamp duty and registration index to basically. Okay, and only parking ka index to nahi hota hai. So, in this case, how to transfer that particular parking on any other person's name or allotment? आपका फ्लैट का एरिया कितना है मोरे साहब? 730. ये आपको कैसे पता चलता है कि आपका फ्लैट एरिया 730 स्क्वायर फीट है? By measuring it on the document पे होता है. ठीक है, तो आपके वो लेआउट जो फ्लोर प्लान होगा आपके एग्रीमेंट में वो भी डिफाइन करता होगा. ठीक है, साइमेंटेनियसली आपका म्युनिसिपल प्लान्स भी डिफाइन करता होगा कि भाई ये बिल्डिंग है 50 माले की, उसके अंदर 49th फ्लोर में ये 730 का ये फ्लैट नंबर 101 मौजूद है. Correct. और वो उसका डायमेंशंस भी दिखाई देगा उसके अंदर. Hmm.
आपने स्टैम्प ड्यूटी जो भरा वो कौन सी फिगर पे भरा सर जी? स्टैम्प ड्यूटी ऑन द टोटल अमाउंट ऑन द 730 स्क्वायर फीट, करेक्ट? ओके, अब नाउ कमिंग बैक टू पार्किंग, पार्किंग का एरिया कितना है सर आपका? अप्रोक्सीमेटली व्हीकल का एग्जैक्ट एरिया नहीं पता, बट आप नहीं बोल सकते वो, क्योंकि पार्किंग का एरिया होता ही नहीं है कभी भी। ओके, आपका फ्लैट एरिया जो 730 बोला आपने, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ एफएसआई। सो योर फ्लैट हैज कंज्यूम्ड हाउ मच एरिया? 730 स्क्वायर, एंड यू हैव पेड स्टैम्प ड्यूटी ऑन 730, करेक्ट? एंड यू नो द डाइमेंशंस ऑफ योर फ्लैट एरिया। Now this all three criteria, can you define it or relate it to the parking space? Parking का area पता हो ही नहीं सकता क्योंकि वो defined ही नहीं होता। Parking का area defined नहीं है, इसके लिए वो FSI free है। और FSI नहीं खर्चा किया है, area नहीं है, तो आप stamp duty नहीं भरते हो आप उसके अंदर। और अगर stamp duty नहीं भरा है आपने, तो आप ये कैसे बोलोगे कि ये मेरा या तेरा है? But sir, उस पे property tax चार्ज किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर ओनर, और उस पार्किंग के जो ओनर है उस पे प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज किया जाता है फॉर दैट पार्किंग। प्रॉपर्टी टैक्स आपका चार्ज होगा 730 स्क्वायर फीट एरिया में, और बाकी जो पार्किंग है इट इज कॉल्ड एज कॉमन ओपन स्पेसेस। साइड में दीवार लगा हुआ है, ऊपर छत है, पोडियम पार्किंग है, बट इट स्टिल क्लासिफाइड एज कॉमन ओपन स्पेसेस। कॉमन ओपन स्पेसेस का बीएमसी अलग से प्रॉपर्टी टैक्स देता है, आपके इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्ट में आपको दिखाई देगा वो। और आपने जितना यूज किया प्रोपोर्शनेटली सोसाइटी आपको लगा रही होगी। टिपिकली वो नहीं करना चाहिए सोसाइटी को, दैट इज इलीगल। कॉमन प्रॉपर्टी टैक्स विल बी इक्वली डिवाइडेड, नॉट एरिया वाइज बट ऑन यूनिट वाइज टू ऑल द सोसाइटी मेंबर्स। सो आपका जवाब ये है कि पार्किंग अगर आपने खरीदा है तो वो गैर कानूनी है, आपने बेचा तो गैर कानूनी है, करेक्ट? और अलॉट तो आप उसी को कुछ भी कर सकते हो। एफएसआई नहीं है, स्क्वायर फीट नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है, आप मालिक हो ही नहीं सकते। आप मालिक हो नहीं सकते तो लेना, बेचना, रेंट करना, लीज पे दे देना, गिफ्ट करना, फला ठिकाना करना, सब अधिकार नहीं है उसके अंदर। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है। ओके, बट लेकिन उसे प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, राइट? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी टैक्स कॉमन एरियाज में लगेगा, करेक्ट? Okay, thank you, Mr. Vinayak, for joining in. Next question is by Mr. Kishan Bhosle. Mr. Kishan Bhosle. Hello. Hello. Bhosle sir, bola sir. Bola sir. साहेब, आमची आमच्या सोसायटीमध्ये डीन कन्व्हेन झालेलं आहे, पण तहसीलदार ऑफिसमध्ये नाव नोंदणी म्हणजे सोसायटीचं नाव आलं पाहिजे ते ह्याच्यावर, त्यासाठी एक 1.5 वर्ष झालं तिथं ऍज इट इज आहे। आता त्याच्याबरोबर ऍडव्होकेट वगैरे दिलेले आहेत, पण ते पुढं काही जात नाहीत, कशामुळे म्हणजे काय प्रॉब्लेम असेल? डीन कन्व्हेन्सचा ऑर्डर घेतल्यानंतर तुम्हाला ऍडज्युडिकेशन साठी अर्जी मूव्ह करायला लागते कलेक्टर ऑफिस मध्ये किंवा सब कलेक्टर ऑफिस मध्ये, आणि त्याच्यात तुम्हाला सांगायला लागते की माझ्याकडे 100 फ्लॅट आहे, किती स्टॅम्प ड्युटी भरलेला आहे, किती नाही भरलेला आहे दर फ्लॅटला। फ्लॅट नंबर 1 च्या फक्त 100 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरलेला होता 1960 वर्षीत। ते स्टॅम्प ड्युटी वगैरे गोशवारा 2 वगैरे सर्व भरून अमाऊंट पण भरली गेली, आता तहसील कार्यालयामध्ये नाव नोंदणीसाठी म्हणजे सोसायटीचं नाव रजिस्टरवर चढवण्यासाठी 1.5 वर्ष झाले तिथंच आहे ते। साहेब, असं असेल की त्यांच्या काहीतरी अपेक्षा असेल, अच्छा, म्हणून ते काम थांबवलं असेल। ते तुम्ही आपलं कसं करता, तुमच्या वकील कसं करता, ते तुम्ही तसं बघून घ्या साहेब। मिस्टर हितेंद्र पाटील, मिस्टर हितेंद्र पाटील,
गुड इवनिंग सर, आपका वीडियो ऑन कर दिया सोसाइटी मध्ये। हाँ सर, वीडियो का प्रॉब्लम है। आप वीडियो ऑन कर लीजिए फिर। हाँ सर ठीक है, बोलिए। हाँ सर, हमारे सोसाइटी में डिम कमरे हो गए है, पर उसका बाकी है ऐसा है। और उसका खर्चा कितना आता है डिम कन्वर्स का? मैंने जैसे शुरू में बताया है कि हम लोग कंसल्टेंसी या पर्सनल एडवाइस नहीं देते, ये सारी चीजें के लिए आप अपने वकील को पूछिए, जिसको भी आपने एंगेज किया होगा वो गाइड करेगा कितना खर्चा है, क्या है क्या नहीं है। और कोई प्रश्न है पाटिल सर? ओके, थैंक यू, थैंक यू। शशिधारा शेट्टी, आपका कोई प्रश्न है क्या? शशिधारा शेट्टी, मिस्टर ओके मिस्टर महादेव, आपका ठीक हो गया क्या? सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, सॉरी सर। सर मेरा सवाल ये है सर, अगर बिल्डर चार अलग सोसाइटी बनाई है बिल्डर ने, लेकिन वो कन्विंस भी नहीं कर रहा है बिल्डिंग का और फेडरेशन भी नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं सर? अगर वैसा किया हुआ है तो आर्किटेक्ट का रिपोर्ट बनाइए और चारों सोसाइटी को अपना अलग अलग कन्विंस के लिए है ना। और दूसरा, आप चार सोसाइटी मिलके भी आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में अर्जी दे सकते हो मिलके, प्रोसीजर फॉलो करके, और आप उसका एसोसिएशन बनवा सकते हो। जब पांच सोसाइटी होगी तो फेडरेशन भी बन जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर राहुल नारायणकर। थैंक यू सर। मिस्टर राहुल नारायणकर, अच्छा राहुल जी होल्ड करिए, होल्ड करिए। शशिधरा शेट्टी, आपका वीडियो ऑन करिए और आपका प्रश्न पूछिए सर। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर, डीडीआर का ऑर्डर पास होने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है सर? नेक्स्ट प्रोसीजर ऐसा है कि कलेक्टर ऑफिस में, अगर आप बॉम्बे में है तो कलेक्टर ऑफिस में अप्लाई करिए एडजुडिकेशन के लिए। वो अर्जी देखेगा, स्टैम्प ड्यूटी कितना भरा हुआ है क्या नहीं भरा हुआ है, वो ऑर्डर देगा, वो भर दीजिए और बाद में आपका प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसीजर है वो भी हो गया सर, हमको तहसीलदार का इसमें हमारा नाम चेंज नहीं हुआ सर। तहसीलदार ऑफिस में फॉलो अप कर लीजिए। अच्छा, तहसीलदार ऑफिस से फॉलो अप करना चाहिए सर। यस ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिस्टर राहुल नारायणकर, राहुल साहब मिस्टर राहुल नारायणकर मिस्टर विश्वनाथन पी विश्वनाथन हेलो हेलो सर, वी आर स्टेइंग इन मुलुंड, प्लीज गो अहेड। आवर्स इज ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर, ओन्ड बाय ट्रस्ट। वी हैव गॉट डीड ऑफ असाइनमेंट नाउ एंड स्टैम्प ड्यूटी असेसमेंट, एवरीथिंग इज ओवर। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, वंस वी गेट डीड ऑफ असाइनमेंट, वेदर इज इट नेसेसरी to get NOC from the trust to go for redevelopment? You may counter check your deed of assignment as to the authorities or powers given to you as to what all you can do in your plot of land for the remaining term of your lease period. Now in that, if you say ki okay fine, I have been authorized to do redevelopment of society, or I've been authorized to use up the current FSI being offered by the government, there are so many things. So the deed of assignment drafting would be the key component for future.
ओके सर, प्लेन डीड ऑफ असाइनमेंट में अगर आपका रीडेवलपमेंट का क्लॉजेस नहीं है, आपका एफएसआई यूज करने का प्रोविजन नहीं है, डीड ऑफ असाइनमेंट के बाद में कंपनसेशन दे के कन्वेंस का प्रोविजन नहीं है, तो ये सब आपके हित में नहीं है, फायदे में नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है, इंटरेस्ट में नहीं है, तो यू हैव टू चेक अप दिस डीड ऑफ असाइनमेंट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। ओके सर, या थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मिस्टर विजय सावंत। बाजू में एक स्पेस है, जगह है, मे बी 1600 की जगह है, जहाँ एक स्ट्रक्चर है, वो उसका ओनर बिल्ड पुराना डेवलपर है, ठीक है, बाकी का पूरा लैंड सोसाइटी का हो चुका है, डीम कन्वेंस हो गया, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम भी आ गया है, ठीक है, और उसके बाजू में जो स्ट्रक्चर है उसकी सराउंडिंग एरिया भी हमारे इसमें ओनरशिप में आती है, तो अभी इस वक्त हमको अगर खुद को अलग से रीडेवलप करना है और वो जगह हमारा क्लेम करना है, तो उसके लिए क्या कुछ किसके पास कोर्ट में जाना पड़ेगा या क्या क्या करना पड़ेगा? आपकी जगह का साउथ वे साउथ और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट कितना स्क्वायर फीट है वो पता है आपको? हाँ हाँ, हमारा जगह है मे बी 1400 पकड़ो, उनका हम लोगों ने 160-170 उनका है, उस ओनली स्ट्रक्चर पता चलता है, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, ये डीम कन्वेयर हो चुका है ना, उसमें हमने ये जगह देखी है, उसमें वो इट इज रिटन देयर इन द डीम कन्वेयर, ये यू कैन राइट एनीथिंग इन द डीम कन्वेयर डॉक्यूमेंट कि माय एरिया इज कवरिंग एंटायर महाराष्ट्र। नहीं नहीं, देयर इज करेक्ट, सो देयर हैज टू बी अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट फर्स्ट, एंड इफ देयर इज शुड आई स्पीक सर? या या यू कैन। Okay, so if this thing is to be done and there is a dispute or there is mismatch, then you have to do what? You have to go in for a government survey. Then your registered architect survey is also invalid. So you'll have to apply to the tehsil office, local tehsil office, for a survey, government survey. वो आएगा और उसका drawing will be final and conclusive evidence. वो होने के बाद में आप कुछ आगे का कार्यवाही कर पाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? यस सर, यस सर, दिस इज जॉन। My question is, let's say there is 20,000 square feet of leasehold land, and on which there are So you can ask short only question. A very short question. Correct. Short question. So in that there are 20 units. Now the undivided share of that land is being registered and in the books, and they are paying tax on. So what does that mean? They are paying tax. Land tax on on a leasehold land for the undivided share of land is being paid by the unit holders. So under what circumstances is that possible? So there has been a transfer then of that leased land? Leased land cannot, it is a government land obviously. No, it is a synagogue land. Jewish synagogue. Sorry? It is a land belonging to a private party. Okay. So if there are 100 units in that, and if there is no association of persons, for example, an association ले लो, RWA ले लो, condominium ले लो, या society ले लो, तो अगर नहीं है, तो individual people will be paying their own taxes. If there is an society, then the any tax will be billed to the society and society will proportionately collect it from the members. So the individual land tax you are referring to for the leasehold land? Yeah, that is called an agricultural tax. And the lease tax, there is no such thing as lease tax, there will be lease rent. Lease rent is going to the lessor. But here we are paying tax to the government based on the undivided share of that land.
You need to determine what type of tax you are paying, and then only proceed further in that. Anyway, thank you, Mr. John, for joining in. Thank you. We will be concluding today's webinar. Mr. Rahul, you have any question? Mr. Rahul Narayankar? Okay, thank you everybody. Now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Until the next time. Thank you, sir. Thank you, Goel sir.